नमस्कार। और मिस कुकिंग चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे खट्टे की सब्जी, इसे उड़िया में लेथा भी कहते हैं। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको कैसे खट्टे की सब्जी बनाती हूँ मैं। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो बनाते हैं खट्टा। खट्टा बनाने के लिए मैंने सब्जी सब मंगाया है, सिर्फ टमाटर से खट्टा बनाएंगे। हमें आज कोई इमली या आमचूर नहीं देना है, टमाटर से ज़्यादा अच्छा बनता है। पहले हम लोग चावल फुला लेंगे। अगर आपको जल्दी से बनाना है तो कनकी ले लें, दावत वाला कनकी अच्छा रहता है। यह चावल है तो थोड़े पहले से फुला लें ताकि अच्छे से चावल फूल जाए। आप बेसन भी डाल सकते हैं चावल के जगह पर। फूलने के लिए छोड़ देंगे इसे। और मैंने एक पतीले में पानी चढ़ाया है। आप ज़्यादा बनाएं तो ज़्यादा पानी चढ़ाएं, कम बनाएं तो कम पानी चढ़ाएं। हाफ टेबल स्पून हल्दी डाल दी हूँ मैं। थोड़ी हल्दी की मात्रा ज़्यादा रखिए, नहीं तो पूरे सब्जी फीकी लगती है अच्छे से हल्दी नहीं लगने पर। और ये हल्दी पानी को हम लोग उबलने देंगे। और इधर हम लोग सब्जियाँ काट लेंगे। देखिए मैं सब्जियाँ काट ली हूँ, कद्दू बड़े बड़े पीस में छिलका समेत काटी हूँ मैं। देखिए छिलका ना निकालें। और ये बैंगन है, आप चाहें तो डंठल दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। और मूली ली हूँ मैं। पानी हमारा उबल चुका है। अब इसमें सारी सब्जियां हम लोग धो धो कर डाल देंगे। और इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि सब्जियों में नमक अच्छे से लग जाए। और ढक्कन बंद कर दी हूँ मैं। उबलने पर आप ढक्कन को आधा खोल दें और सब्जियां उबलने के लिए छोड़ दें। अब हम लोग छौंक की तैयारी करेंगे। मैंने 500 ग्राम टमाटर धो के काट लिया है। और 5 फ़ोरन सूखी मिर्च, लहसुन, कड़ी पत्ते और चावल फुला के रखी थी मैं। और करील, और ये है धनिया की पत्ती, लहसुन, मिर्च ग्राइंड करने के लिए चावल के साथ। चावल के साथ हम लोग लहसुन, धनिया पत्ती और मिर्च डालकर ग्राइंड कर लेंगे। इसका पेस्ट बना लेंगे, स्मूथ पेस्ट बनाना है ताकि खट्टी की सब्जी गाढ़ी बने। ग्रेवी के लिए चावल डालते हैं। आप बेसन भी ले सकते हो, ग्राइंड कर लेंगे इसको। और करेल को हम लोग अच्छे से धो लेंगे। इसको धोकर निचोड़ लेंगे। और सब्जियां उबल जाने के बाद करेल को निचोड़ निचोड़ कर सब्जियों में डाल देंगे। सब्जियां हमारी लगभग पक चुकी है। करेल को हम लोग पानी से निचोड़ कर खट्टे की सब्जी में डाल देंगे। खट्टे की सब्जी में करेल देने से अच्छा लगता है। फिर आधा ढक्कन बंद कर देंगे, उबलता रहे। अब बैटर तैयार करेंगे चावल का। को धो धो कर हम लोग छान लेंगे और मिक्सी के जार में डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ मैं और ग्राइंड कर लेंगे। इधर हमारी सारी सब्जियाँ अच्छे से पक चुके हैं। देखिए अब इसमें हम लोग चावल का जो बैटर बना है स्मूथ सा, उसको डालेंगे। देखिए मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है चावल का। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। पानी डालकर घोल लेना है और डालना है, नहीं तो गांठें बन जाएगी गर्म खट्टे में डालने से। और इसको अच्छे से चला लेना है। खट्टे की सब्जी हमारी इसकी ग्रेवी को गाढ़ी बनाएगी, चावल का पेस्ट।
चावल और टमाटर का खट्टा जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बेसन का थोड़ा अलग सा लगता है इसलिए मैं चावल का ही बनाई हूँ। आप बेसन भी डाल सकते हो। देखिए मैंने कप धोकर पानी में डाल दिया है, कितनी गाढ़ी बनी है देखिए, तुरंत गाढ़ी बन जाती है। अब इसको हम लोग उबलने देंगे। अगर गाढ़ी हो गई है तो आप पानी डाल दें, अगर आपको इतनी ही गाढ़ी पसंद है तो उबलने दें। थोड़ा गाढ़ा होने से अच्छा लगता है, आप ज़्यादा पानी मत डालें। देखिए इसमें उबल चुका है। उबल जाने के बाद हम लोग अब इसमें सौंफ डालने की तैयारी करेंगे। मैंने ढक लिया है, इसको निकाल कर अब कढ़ाई चढ़ाएंगे। मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, 2 टेबल स्पून तक ऑयल डाली हूँ मैं। टमाटर को हम लोग कच्चा नहीं डालेंगे, इसको पहले पका लेंगे। ऑयल हमारी गर्म हो चुकी, देखिए मैंने 5 फ़ोरन डाल दिया है इसमें। लहसुन की कलियाँ भी डाल दी हैं मैंने। ढक देंगे इसको इधर उधर, ना ये चटके चटक कर इधर उधर गिर जाते हैं इसलिए ढक्कन बंद कर दिया। देखिए चटक चुका है हमारा राई, थोड़े चला लेंगे। लहसुन भी पक चुका है, टमाटर डाल दी हूँ मैं। टमाटर में हम लोग स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। टमाटर में जितना लगे नमक उतना डाल देना है, क्योंकि सब्जियों में भी हमने डाला है नमक। और टमाटर को कम आंच में हम लोग पूरा गलाएंगे इसको, ताकि खट्टे की सब्जी में मिक्स हो जाए। और कड़ी के पत्ते डाली हूँ ताकि टमाटर में भी अच्छे सेंट आए। देखिए अच्छे से पक चुका है टमाटर हमारा, अच्छे से पेस्ट बनाना है इसका। इसमें एक भी टमाटर पीस पीस नहीं रहना चाहिए, पूरा इसका पेस्ट बना लेंगे हम लोग। देखिए टमाटर में मैं पानी नहीं डाली हूँ। गाढ़ा होने तक तो पूरा, तभी खट्टे की सब्जी में अच्छा टेस्ट आता है। देखिए टमाटर हमारी पूरी गाढ़ी बन गई। अब जो खट्टे की सब्जी हमने उतार लिया था, फिर उसको चढ़ा लेंगे और थोड़े चला लेंगे। इसके बाद जो भुना हुआ टमाटर है उसको डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पका हुआ टमाटर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और जिस कढ़ाई में हमने टमाटर बनाया है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के खट्टे की सब्ज़ी में डाल देंगे। आपको खट्टे की थिकनेस अच्छी लगे तो रहने दें, अगर गाढ़ी लगे तो थोड़ा पानी डाल दें। और आपको नमक कम ज़्यादा लगे तो नमक भी थोड़े डाल सकते हैं। और थोड़ा इसको उबाल लेंगे। देखिए हमारी सब्जियां अच्छे से पककर, कोई भी सब्जी मेल्ट नहीं हुई है। एक दो उबाल आने देंगे। देखिए उबलने लगी है खट्टे की सब्जी हमारी। अब गाढ़ी है तो थोड़े चलाते रहेंगे उबलते टाइम, नहीं तो नीचे लग सकती है। उबल चुकी, अब इसको हम लोग छोंक लगा लेंगे। मैंने एक पतीला चढ़ा लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम लोग 1 पिंच हींग डालेंगे और कुछ 5 फ़ोरन डालेंगे इसमें भी।
चौंक के लिए। लहसुन डाल चुके हैं, इसे लहसुन नहीं डालेंगे, सीधा सूखी मिर्ची डाल दी हूँ मैं। अब कुछ कड़ी पत्ते डाल देंगे और थोड़े चला लेंगे। चौंक हमारी रेडी हो गई लगाने के लिए। अब इसको खट्टे की सब्जी में हम लोग डाल देंगे। खट्टे की सब्जी में हमारी चौंक लग गई। अब इसमें कुछ हरी धनिया की पत्ती काट कर डाल देंगे। धनिया पत्ती डाल दी हूँ मैं और इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए खट्टे की सब्जी हमारी तैयार होगी। खट्टे की सब्जी बनाएं, खाएं और कमेंट करके बताएं कि हमारी खट्टे की सब्जी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।